दोस्तों पत्थलगढ़ी आंदोलन की बहुत चर्चा है। पत्थलगढ़ी परंपरा को समझना हो तो थोड़ा सा ध्यान से इस बोर्ड को देखिए। यह पत्थर का बना हुआ है और इसमें गांव का लगभग नियम लिखा हुआ है, जो जीने का सलीका है और जो अधिकार है उसकी इस पत्थर पर बात कही गई है। यह जो पत्थलगढ़ी की परंपरा है इसके मूल में क्या रहा है? देखिए, तो संविधान के अनुसार, संविधान 244 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियाँ संविधान में दिया गया है, उसी पर आधारित है पत्थलगढ़ी। तो पत्थलगढ़ी बीडी शर्मा के द्वारा ये मैंने पूरा इधर का क्षेत्र में मैंने बीडी शर्मा जो पहले कमिश्नर थे छत्तीसगढ़ में, हाँ, जिन्होंने पैसा एक लाने में, हाँ, पैसा एक के तहत थे इसको गढ़ा गया। इसमें बीडी शर्मा का योगदान है। आपको याद होगा बीडी शर्मा वो व्यक्ति है जो दिल्ली के झुग्गियों में रहा करते थे कमिश्नर होने के बावजूद। अगर आप कभी निजामुद्दीन से और सराय काले खां की तरफ दिल्ली आना जाना हो तो जब आते हैं तो लेफ्ट तरफ स्टेशन से आते वक्त बाईं तरफ झुग्गियों का एक इलाका है जो नाली पानी और गंदगी से भरा रहता है, और मुझे याद है उसके ही वो पहले फ्लोर पर रहा करते थे। उन्हीं बीडी शर्मा की देन है कि आदिवासियों को पेशा एक्ट के तहत अधिकार मिला, और जो हमारे साथी कह रहे हैं तो बीडी शर्मा से जब आए थे तो उन्होंने इसकी परंपरा क्यों शुरू की? मैंने कॉपी में रहने से वो कभी मैंने इधर उधर हो जाता है, सर गढ़ मैंने ये, अच्छा ये रहेगा तो गढ़ा हुआ रहेगा, गढ़ा रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आदिवासियों के अधिकार एकदम सरेआम सामने होने चाहिए। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये धीरे धीरे दिखाई दे। और देखिए लिखा हुआ है भारत का संविधान, उसके पहले लिखा है राजा गढ़ बांस टोली तोरपा। भारतीय संविधान में ग्राम सभा की शक्तियां 24/12/1996 से प्रभावी सामाजिक मद्य निषेध, मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर बंदिश का नियमन, और उसके बारे में ये कंप्लीट बात लिखी हुई है। यही पत्थलगढ़ी है। इस परंपरा से जनता, जो आदिवासी जनता है, वह घोषित करती है कि यह हमारा नियम है और यह हमारे गाँव का दायरा है। यही आंदोलन पिछले दिनों झारखंड के खूंटी जिला में बहुत ही संगठित तरीके से उभरा था, बाद में सरकार ने उसे अपने तरीके से दबा दिया और दो पक्ष बन गए, एक गैर आदिवासी और एक आदिवासी। हालत उसके बाद क्या हुई उसको जानने के लिए हम बात करते हैं। इस वक्त जो है चंदन जी के साथ खड़े हैं। चंदन खूंटी से रिपोर्टर हैं, पिछले 8-9 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने पत्थलगढ़ी आंदोलन को लगातार अपने अखबार के लिए कवर किया है। उनसे समझते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या थी, आज का सच क्या है और चुनाव में पत्थलगढ़ी आंदोलन का क्या असर होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्थलगढ़ी आंदोलन का जो एक स्वरूप दुनिया भर की मीडिया या दिल्ली से चलने वाली मीडिया में, जैसा कि कई बार आ रहा है कि बहुत अत्याचार हुआ है और बहुत स्वाभाविक मूवमेंट था जिसको सरकार ने रौन दिया है और उसका बड़ा असर होगा चुनाव पर, इसका सच क्या है? देखिए, पत्थलगढ़ी जो है वो उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि उसको लेकर विवाद उत्पन्न है। जैसे बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश है ना, सरकारी योजनाओं का विरोध, बहिष्कार, वोट देने का बहिष्कार, जितना सरकारी डॉक्यूमेंट है उसका बहिष्कार, इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और वो फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गया। लोग जो है इसमें और जुड़ते गए, मीडिया भी इसमें को हाईलाइट करता गया, हम लोग तो इसको लगातार देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसको जिस तरीके से लोगों को करना चाहिए था डील, उस तरीके से नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि पत्थलगढ़ी आंदोलन से जुड़े समूह तो मुंडा आदिवासी हैं, वो मतलब सरकार के नियम न मानना, लाभ न लेना, सरकारी योजनाओं को न मानना, ये इस स्थिति तक पहुँचे कैसे? इसको जब हम लोग तह तक जानने का कोशिश किए तो एक चीज़ निकल के आया कि इसका जो मूल स्टार्ट जो है वो था गुजरात के कटासवान से। वहाँ एक कुंवर केसरी करके कोई व्यक्ति है जो खुद को भारत सरकार बताते हैं, उन्हीं का जो आदर्श है या आइडियोलॉजी है उसको यहाँ के आदिवासियों ने अपने ऊपर एडॉप्ट किया। उसके आधार पर ये लोग मानते हैं कि पूरे जो देश की ज़मीन है या आदिवासी बहुल क्षेत्रों की जो ज़मीन है उनके मूल मालिक वो लोग हैं, आदिवासी। बाकी लोग जो है वो गैर आदिवासी जितने भी हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो जो गैर आदिवासी हैं उनको वो नागरिक मानते हैं और खुद को मानते हैं मालिक। तो मूल निवासी वाला वही है क्या, अलग? हाँ, आदिवासी लोग खुद को मूल निवासी कहिए या मालिक कहते हैं।
उनके आधार से ये है कि मालिकों को डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है, नागरिकों को जरूरत है। जैसे एक राजा को जरूरत नहीं होता बट बल्कि प्रजा को होता है, वही उनका बेस था। इसी आधार पे ये लोग सरकारी कागजों का बहिष्कार करते हैं और सरकारी योजनाएं भी नहीं लेते हैं। तो ये जो खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ वो कितने गांवों में रहा और इसके मुख्य नेता लोग कौन थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया? और खूंटी में ये आपका भंडरा के आसपास से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करते करते लगभग 70 से 72 गाँवों में ये फैला। इसमें खूंटी के कुछ गांव हैं, मुढ़ो के कुछ गांव हैं और अड़की ब्लॉक के कुछ गांव हैं। मेनली ये खूंटी जिला में ही सीमित रहा, लेकिन खूंटी के 3 ब्लॉक तक ये फैला। और इसमें मेन जो लीडर थे स्टार्टिंग में आए थे कि विजय कुजूर करके, वही उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। फिर बबीता कच्छप आई, फिर आपका यूसुफपुर की आए, इसके अलावा और भी लोग थे, बालमोहन तिर्की हैं और कुछ नाम है। इसमें है कि कई लोग जेल भी चले गए और कुछ लोग अभी भी बाहर। तो मतलब सरकार को क्या ऐतराज था इस आंदोलन से और आंदोलनकारियों से सरकार डील करने के बजाय हिंसा पर क्यों? सरकार को ऐतराज इसी बात से था कि बहिष्कार किया जा रहा था स्कीम्स का। उस समय जिस अब ये पत्थलगड़ी चला तब शौचालय का जो स्कीम था वो बड़ी जोरों पर था, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, वो दबाव बनाने की कोशिश करती थी और उसका जो है वो पुरजोर विरोध करते थे आदिवासी लोग। इस तरीके से दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ करके एक दूसरे के साथ में लड़ाई वाली स्थिति पैदा हो गई। और जो प्रशासन है उसको बात करने के बजाय उसको अपने फौज से या पुलिस के दबाने की कोशिश। अच्छा, कोई मूल वजह जिसकी वजह से जिस दिन कोई घटना कि पत्थलगड़ी का मूवमेंट एकाएक चल पड़ा? हाँ, एक घटना हुई थी कांटी में, कस्तूरी ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ पे जब पुलिस और प्रशासन के लोग गए तो उनको ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, रात भर उन लोगों को वहीं पे बंधक बना के रखा गया था। स्कीम से ये इसका मूवमेंट जो है पूरी तरीके से हिंसक हो गई। फिर उसके बाद अड़की के कुरुंगा में भी पुलिसों को बंधक बनाया गया। आदिवासियों ने बंधक बनाने के अलावा कोई हिंसा तो नहीं उतारू नहीं उन्होंने हिंसा तो नहीं किया, लेकिन एक घटना हुई थी आपका कड़िया मुंडा जो समय सांसद थे उनका बॉडीगार्ड को लोग किडनैप कर लिए थे, इस तरह का हुआ, लेकिन उनके साथ भी कोई हिंसक घटना। ये तो अपने आप में एक जैसे कि माओवाद जिसको कहते हैं, मतलब गैर हिंसक बिना बंदूक के माओवाद की एक तरीके से नई एंट्री थी क्या? कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग के पास इस संबंध में कुछ ऐसा नहीं मिला। लेकिन पुलिस तो ये मानती है कि इसके पीछे नक्सलवाद का भी सपोर्ट रहा है और एक दो घटनाएं आई जिसमें उग्रवादी संगठन PLFI का भी हाथ सामने आया। लेकिन PLFI के बारे में तो कहते हैं लोग कि वो सरकारी संगठन है, यहाँ के पत्रकार या आप लोगों की जानकारी क्या कहते हैं? बिल्कुल, कुछ लोग कहना है कि वो पुलिस के बनाए हुआ संगठन है, लेकिन उन लोग अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, पुलिस के खिलाफ भी काम करते हैं। उनका आदर्श क्या है? मतलब वो तो माओवादी लोग मानते हैं, मार्क्स लेनिन को मानते हैं और मानते हैं जिसकी जमीन है वो जोते बोए और गरीबों का राज हो। ये PLFI का क्या आदर्श? उनका भी आदर्श उसी से प्रेरित है, लेकिन उन लोग क्योंकि बिल्कुल ही अलग संगठन है, माओवाद से अलग चलते हैं वो लोग। इस वोट पे कोई सेनवारी नहीं कर रहा। ये पत्थलगड़ी 70-75 गांव असर नहीं करेंगे? नहीं, उनमें भी मैक्सिमम वोटर जो है ज़्यादातर वो दूसरे पार्टियों के वोटर हैं। कुछ वो इलाका है जहाँ भाजपा के वोट है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है वोट पड़ जाएगा। अच्छा, वोट पड़ेगा। अच्छा, अगर वोट बहिष्कार का नारा दिया है तो ऐसा कुछ जानकारी या प्रेस रिलीज आप लोगों तक आई है गाँव से, गाँव के मुखिया से या इस संघर्ष के प्रमुखों से? नहीं नहीं, वो लोग जो भी करते हैं बिल्कुल अलग करते हैं, प्रेस मीडिया से भी दूर रहते हैं। और बकायद कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब लोग कवरेज करने भी नहीं देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मामला हाईलाइट ना हो और अंदर ही अंदर वो लोग अपना काम करते रहे। अच्छा, सुना है कि हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं इस पर, तो आप लोगों की जानकारी क्या कहती है? आंदोलन शांत हुए भी 2-3 महीने से ऊपर हो गए, तो आप लोगों के पास क्या नवीनतम जानकारी, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं इस पूरे मामले? मुकदमे तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये अभी चर्चा में आ रहा है कि 10,000 से ज़्यादा आदिवासियों पर देशद्रोह का मामला हुआ है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हर केस के साथ एक अन्य जोड़ दिया गया है, तो अन्य में कुछ भी हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 200 लोग या 2000। मैं FIR देख रहा था संयोग से चंदन जी, और FIR में 2500, 3000 और पूरे गाँव के नाम लिखे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये तो 10,000 क्या, ये तो 50,000 पहुंच जाएगा अगर उस बेस पे अगर चलेंगे तो बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो मतलब सरकार ने ये रास्ता अख्तियार रखा है कि हम किसी गांव से किसी को देशद्रोह राजद्रोह में उठा सकें।
हाँ इस बात को कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है कि जो लोग अब वैसे कामों में एक्टिव नहीं है तो उन लोग के ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन मुकदमे भी तो वापस नहीं ले रही ना? मुकदमे वापस नहीं ले रही, पर सरकार भी मंजूरी नहीं दी है। सरकार की अच्छा, गृह मंत्रालय से एक मंजूरी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा चाहिए होता है, जिसमें अभी हम लोग को जो जानकारी था कि लगभग 42 केस पे ही नहीं तो चार्जशीट क्या दाखिल नहीं हो रही है इस मामले में? इसके बारे में अभी दाखिल नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी है कि चार्जशीट दाखिल हो रही है, तो बगैर गृह मंत्री के इजाजत के इस मामले में चार्जशीट कैसे दाखिल हो? अच्छा, ये आप है नहीं लोग? नहीं, ये तो पुलिस का मामला है, वो बता पाएंगे। हम लोगों ने बातचीत की, चंदन है ये लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं खूंटी में, और खूंटी का आंदोलन जो पत्थलगड़ी का रहा है और अब चुनाव है, चुनाव की स्थिति में भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, लेकिन 70-75 गांव के लोगों ने कहा है कि हम वोट नहीं करेंगे, हालांकि वोट के दिन तक मिजाज बदल सकता है।